अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। इस तरह से न्यूमेरिकल आपके पास आता है पेपर के अंदर। देखिए, इसके अंदर आपको टोटल 4 इक्वेशंस दी जाती हैं और कभी कभी 3 भी दे देता है, डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। और इन यहाँ पे आपको एक इक्वेशन नजर आ रही होगी, 6C+3H2 C6H6 बेंजीन को कहते हैं, तो उसकी हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है और इन तीनों की दे दी है, यानी कि ये हमारे पास गिवन है और ये हमें क्या है, रिक्वायर्ड है, यानी कि मालूम करना है। डेटा बनाते हैं सबसे पहले इसका। ये हमारे पास गिवन दे दिया गया है, ठीक है, 394 किलो जूल और ये 286 किलो जूल और माइनस 3360 किलो जूल। और मालूम क्या करना है हमें, ये मालूम करनी है। तो खैर, हमने सवाल से ही बना दिया, करते किस तरह से ही सवाल। देखिए, हमें ये इक्वेशन मालूम करनी है। यहाँ पे आप देखें कार्बन कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे देखें इन तीनों इक्वेशंस के अंदर कार्बन आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो कार्बन आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमें कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन मौजूद है, 1 कार्बन मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। क्यों 6 से मल्टीप्लाई करवाया, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें 6 कार्बन चाहिए। जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें 6 कार्बन चाहिए, हमें जो दी हुई है उसमें कितने कार्बन है, सिंगल कार्बन मौजूद है। तो अगर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास 6 कार्बन आ जाएगा। कैसे, वो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 6। इक्वेशन 1 यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6। तो इक्वेशन 1 को हमने 6 से जब मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। और ये जो नंबर है हमारे पास, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे हाइड्रोजन किस इक्वेशन में मौजूद है। तो दूसरी इक्वेशन में आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा, लेकिन हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसका मतलब इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 से। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3H2 हो जाएगा और ये 3O2 हो जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास 3H2 आप देख सकते हैं। और इस नंबर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 858 आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, जमा करता हूँ, तो देखें ये चीज बन रही है C6+H2, यही चीज आ जाएगी। कैसे, जरा देखते हैं। दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऐड में क्या होता है, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो होगा क्या हमारे पास, देखें भाई, ये दो तो मैंने ऐसे लिख दिए। देखें यहाँ पे मौजूद है 6O2+3O2। अब ये क्या है, देखें भाई, ऑक्सीजन कितने मौजूद है, 3 मौजूद है, यहाँ पे 3/2 मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 मौजूद होते तो दोनों को ऐड करके 9 लिख लेता। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किस तरह से लेंगे, 6+3/2। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12+3/2। तो ये हो जाएगा 15। 12+3 क्या हो जाएगा, 15/2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही लिखा, इसी तरह से ये मैंने एज इट इज ऐसी लिख दिया, ये एज इट इज ऐसी लिख दिया। माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को ऐड करके 3222 किलो जूल आ जाएगा। अब क्या है, लेकिन हमारे पास तो वो इक्वेशन आई नहीं है। अब देखिए, एक इक्वेशन रहती है ये, अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करवा दूं, यानी कि सबट्रैक्ट करवा दूं, तो देखिए ये भी कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैंसिल होती है नजर आ रही है, वाटर भी। हमें यही तो करना है, क्योंकि हमें तो रिक्वायरमेंट चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ना वाटर चाहिए, ना ऑक्सीजन चाहिए। इस इक्वेशन को हमने 7 का नाम दे दिया। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 को 3 से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्ट में होता क्या है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा।
माइनस की वैल्यू प्लस से कैंसिल, माइनस की वैल्यू प्लस से कैंसिल, माइनस की वैल्यू प्लस से कैंसिल। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है ये उस जानिब चला जाएगा। जब ये उस जानिब चला जाएगा तो कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, और ये भी प्लस का हो जाएगा। क्यों सर, ये क्यों प्लस का हो जाएगा? साइन चेंज करते हैं, जहाँ माइनस होते हैं वहाँ प्लस आ जाते हैं, जहाँ प्लस होते हैं वहाँ माइनस आ जाते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 138 किलो जूल पर मोल। आगे की जानिब चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है इसी से रिलेटेड, ये सवाल है पेपर में इस तरह से हमारे पास आएगा। देखिए यहाँ पे भी आपको तीन इक्वेशंस आपके पास गिवन हैं और एक आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड है, इनके हीट ऑफ फॉर्मेशन आपके पास गिवन है और एक की आपको क्या करनी है, मालूम करनी है। सबसे पहले तो डेटा बना लेते हैं, उन डेटा में वो इक्वेशंस लिखते हैं हम, रिक्वायर्ड में जो मालूम करनी होती है वो आ जाती है। देखिए अब करना क्या है, हमें चाहिए इस इक्वेशंस को तो आप हटा दें, वन जो इक्वेशन वन है, हमें जो रिक्वायर्ड में चाहिए 2m हमारे पास मौजूद है m, तो इसका मतलब इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से। जब इक्वेशन वन को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या सब क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा सब जगह पे, और ये जो नंबर था 43.2 ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 86.4 हो जाएगा। अब क्या चाहिए हमें बराबर में, क्या चाहिए y2a, क्या चाहिए हमें रिक्वायर्ड के अंदर 1/2a2, तो वो यहाँ मौजूद है और मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत भी नहीं है, जो हमें चाहिए था वो हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब ये जो हमने इक्वेशन 5 जो है इसको ऐड करवा देंगे हम किसमें, इक्वेशन 2 में करवा देते हैं। ये हमने दोनों इक्वेशन लिखी और इन दोनों इक्वेशन को क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करवाएंगे, देख लें अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो। देखें y2 यहाँ पे प्रोडक्ट में है और यहाँ हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट में है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये 2 जो है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m2 1/2a2y2 जो बचा है हमने लिख दिया है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, चीज आ जाएगी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब क्या करेंगे हम, अब ऐसा करते हैं, अब ये इक्वेशन तो आ गई है हमारे पास और हमें एम ए वाई तो चाहिए ही नहीं जो कंपाउंड है हमारे पास, तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करवा दें, यानी कि इक्वेशन 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, देखें वही नहीं कर रहा है जो पहले कर रहा था, पहले हमने बैलेंस किया कि भाई अगर उधर 3 है तो इधर भी 3 आ जाए, फिर ऐड किया अपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ज़्यादातर इक्वेशन में यही होता है, फिर भी देखना पड़ता है इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को क्या करवाने जा रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट करवाने जा रहे हैं, तो दोनों को हम क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाता है, मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखें माइनस की वैल्यू प्लस से कैंसिल, माइनस की वैल्यू प्लस से कैंसिल, ये हमें चाहिए भी नहीं था, तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, 2m2 1/2a2 m2a, यही मालूम करना था। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का हो गया है माइनस का हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 21.7 किलो जूल। एक सवाल और है जो आपको करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये और सवालों से थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड के अंदर हमें क्या चाहिए, AX3, तो आप इधर देखेंगे आपको कोई AX3 नजर नहीं आएगा, अच्छा Y2 तो नजर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मसला है कि किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें। अगर इस तरह का सवाल आ जाता है तो जरूरी नहीं है आप रिएक्टेंट की जानिब जाएं, आप प्रोडक्ट की जानिब भी जा सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4ay है, तो यहाँ पे देखें कहीं पर है ये ना ay, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, 4 से। और दूसरा क्या चाहिए हमें, x2y, तो 6 चाहिए, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, 6 से। दोनों को ऐड करवाइएगा, जो बचे उसको सब्ट्रैक्ट करवा दीजिएगा, आपका आंसर इसका आ जाएगा। ये आप लोगों को करना है। आगे की जानिब चलते हैं, थोड़े बहुत छोटे न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 न्यूमेरिकल्स लिख दिए हैं, तीनों न्यूमेरिकल्स के सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे ताकि आपको फर्क पता चले कि कहाँ पे क्या फर्क है। न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ फार्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। क्यू इज हीट, डेल्टा ई इज इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। अच्छा यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, वर्क डन बाय द सिस्टम की बात हो रही हो या वर्क डन ऑन सराउंडिंग की बात हो रही हो या एक्सपेंड हो रही हो कोई चीज, क्या हो रही हो, एक्सपेंड हो रही हो, फैल रही हो, तो वर्क वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। एक्सपेंड मतलब फैलना, ठीक है, या एक्सपेंशन हो रही हो।
इसी तरह से वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा हो या कंप्रेस की बात हो रही हो तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह से हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव है और रिजेक्ट हो रही है तो नेगेटिव है। और पी प्रेशर की वैल्यू आपको याद रखनी है, कॉन्स्टेंट है। अब डेटा बनाते हैं ताकि हम डेटा सीख सकें इसका किस तरह से बनता है। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया, इसका हीट हमारे पास क्या दे दिए 848 जूल और वर्क हमारे पास कितना दे दिया है, लिखा हुआ है यहाँ पे वर्क डन 394। अच्छा, अभी यहाँ लिखा हुआ है वर्क डन ऑफ द सिस्टम, यानी कि ऑन द सिस्टम की बात हो रही है तो वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव। इसी वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया है। इधर देखते हैं क्यू हीट कितनी दे दी है हमारे पास 1800 और यहाँ पे वर्क इक्विवेलेंट टू 2800 कैलोरीज बाय एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग में क्या होता है, क्यू पॉजिटिव होता है, बात कर चुके हैं हम। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे हमने दोनों सवाल के डेटा बना लिए, यानी कि जो क्यू और डब्ल्यू दिए हुए थे। इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं 500 जूल ऑफ वर्क ऑन अ सिस्टम। वर्क ऑन अ सिस्टम पे वर्क क्या होता है, नेगेटिव। और यहाँ पे हमारे पास हीट क्या है, गिव ऑफ है, ये गिव ऑफ कर लेते हैं हम। गिव ऑफ मतलब देना, रिजेक्ट करना, निकालना, ये सारी चीजें सी में आ जाएंगी। तो दे रहा है ये हीट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 जूल ऑफ हीट हमें प्रोवाइड कर रहा है। वट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, तीनों में क्या मालूम करने हैं, डेल्टा ई मालूम करने हैं, ये तो तीनों के लिए सेम है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। क्यू की जगह क्यू की वैल्यू लिख दी, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू लिख दी है, दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल्टा ई हमारे पास क्या आ गया, जूल के अंदर आ गया। जूल के अंदर हीट दी हुई थी, जूल में लिखेंगे, कैलोरीज के अंदर दी हुई होगी, कैलोरीज में लिखेंगे। यहाँ पे भी फार्मूला यही लग जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1800 में से 2800 निकालेंगे तो माइनस का 1000 कैलोरीज हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देख लें, क्यू नेगेटिव था, वर्क भी नेगेटिव था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस 200 प्लस 500, ये आ जाएगा डेल्टा ई 300 कैलोरीज। तो इस तरह के सवाल पेपर में पूछ सकता है। तो यहाँ पे तीनों सवाल करने का मकसद ये था कि तीनों के डेटा में फर्क पता चल जाए। नीचे तो खैर आसान चीज़ है, फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। इस सवाल के अंदर क्या है, हमारे पास प्रेशर हमें दे दिया गया है, एक तो यूनिट से भी पता चल रहा है और लिखा हुआ भी है, और हीट हमें दे दी गई है और इंटरनल एनर्जी भी दे दी गई है, वॉल्यूम हमें मालूम करना है। फार्मूले वही है जो पीछे डिस्कस कर रहे थे, क्यू भी दे दिया है, पी दे दिया है, डेल्टा ई दे दिया है, रिक्वायर्ड में डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूम हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन फार्मूला क्या होता है, ये होता है डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी डेल वी के। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी डेल वी। क्यू क्यू हमारे पास सब कुछ है, यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करके क्यू माइनस डेल ई हो जाएगा, क्योंकि पी डेल वी उस तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस का होगा, क्योंकि इधर माइनस का है डेल ई, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। पी मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जाने जाके डिवाइड, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस 300, 600 में से 300 माइनस करेंगे 300 आएगा, 300 को इससे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.961 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं इस सवाल में और इसमें यही फर्क है कि यहाँ पे प्रेशर ही नहीं दिया हुआ है। और प्रेशर सवाल कराने से पहले मैंने आपको डेटा में फार्मूला में ये बात बता दी थी, प्रेशर आपको याद होना चाहिए 101300। इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो बन जाएगा 1.01 एक्सपोनेंशियल 5। तो यहाँ भी डेटा बना लेते हैं, प्रेशर कॉन्स्टेंट है इस वजह से हमने लिखा है, कोई अरेंजमेंट होगी यहाँ पे भी, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो बस दोनों में फर्क ये है, वाला सवाल करवाने का मकसद ये था कि अगर प्रेशर नहीं भी देता है तो आपको बताओ प्रेशर क्या होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकता है, और मज़ीद इसी तरह की आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।